तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ग्लिम पे वीडियो। तो अभी गाइस हम आप सुबह हो चुकी है, अभी निकलते हैं बाहर। एक मिनट गाइस, ये हमारे बाल खुले खुले लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए कुछ बदल के आते हैं कपड़े। रुकिए गाइस, बदलते हैं, चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो 2 मिनट दो रुकिए, ये अपने अलमारी के पास पहुँच चुके हैं और कपड़े हमने बदल लिया है गाइस, ये अच्छा लग रहा है ना। चलिए चलते हैं। और गाइस आपको बता दूँ कि जो रास्ते में हम लोग का मामला हो गया था एक, और उसने बोला था कि हिम्मत है तो आ जाना शोरूम पे हम लोग के, देखा जाएगा, हो जाएगी बात बात। लेकिन फिर हमने बाद में उसको हैंडल कर लिया और दोस्त टाइप का बना लिया, क्योंकि तो आपको तो पता ही है, पहले हम दोस्त बनाते हैं फिर ये वो करते हैं। तो उसको ऐसा फंसाएंगे कि देखते रह जाएगा वो। और चलते हैं गाइस, चलिए अभी एयरपोर्ट चलते हैं, जल्दी से कुछ लेते होते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, कुछ खरीदते हैं। मैंने ऑर्डर की थी एक बाइक जो कि बहुत सस्ती थी, प्रीमियम नहीं थी, क्योंकि अगर प्रीमियम होती तो उसके शोरूम पे छोड़ना था ना, इसलिए मैं बहुत सस्ती सी बाइक मंगाया हूँ। और फिर TNT चली जाएगी अपने घर पे, कोई बात नहीं, चलिए। अरे यार, ये लोग बैरियर क्यों लगा देते हैं हमेशा, ये नहीं अच्छा लगता है इन लोग का, जब देखो तब बैरियर लगा देंगे, है नहीं तो। वैसे आपको पता ही, हमेशा एक तरह हम लोग की गाड़ी आएगी, प्लेन से आई है तो वो ऊपर की साइड आएगी। चलिए चलते हैं, ऊपर की साइड चलते हैं जल्दी से। तो वैसे लोग इतना ऊट पटांग मारते हैं, यानी कि एकदम सीधा से स्टेयर्स बनाए, ये लोग की मतलब आदत ख़राब हो गई है, यानी कि सीधा एकदम बनाए, ये लोग उल्टा सीधा बनाएंगे, इनकी तो ये आदत हो गई है, अब क्या किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, ये लोग कितना देर लगाते हैं यार, ये लोग क्या क्या करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और गाइस शायद अपनी KTM आ गई होगी बाइक जो भी थी, अभी मैसेज आया कि अपनी KTM आ चुकी है, हमने सस्ती वाली KTM मंगाई थी, क्योंकि देखिए अच्छी होती है शायद, मतलब KTM बहुत महंगी नहीं पड़ती है, ये सब जो होती हैं, ये सब बाइक बनाल TNT, ये सब बहुत ही महंगी होती हैं, क्या किया जाए। चलिए चलते हैं, ऊपर चलते हैं। गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा दूर और, शायद शायद इसी फ्लोर पे कई बार हमारी बाइक्स आ जाती हैं, आज इस फ्लोर पर नहीं है शायद, रुकिए चेक करते हैं। हाँ गाइस, ये रही अपनी KTM, यही वाली है ना, रुकिए क्लियर करते हैं, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं ना, कोई स्क्रैच डेंट वेंट नहीं है ना, चेक करते हैं स्पीड। एक मिनट बैठ के चेक करते हैं, कंफर्टेबल है ना थोड़ी सी। हाँ गाइस कंफर्टेबल बहुत है ये। अब बात कर लेते हैं कि यही अपनी बाइक है ना। तो गाइस हमने बात कर ली है संजय से बात हो चुकी है अपनी, उसने बोला यही अपनी बाइक है, और जाके तुम नीचे बिलिंग विलिंग करवा लो, क्योंकि ज़रूरी है बिलिंग करना। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा वहाँ लड़ा के देखते हैं, कुछ होता तो नहीं है ना, हमारा कुदाते हैं इसको। और ये क्या हो रहा है गाइस, ये तो उछल जा रही है, कोई बात नहीं, हमको कौन से इससे वो करना है, वो तो बस हमारा रास्ते में कुछ आ जाते हैं बुद्धू टाइप के, बुद्धू लोग, उन्हीं लोग से हमको बस वो करना है। चलते हैं, और अभी गाइस ये उछल गई देखिए, और थोड़ा मेरा और ठोकते हैं कि मतलब टैक्स इसकी टेस्टिंग हो जाए, रास्ते में कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम वो ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, किसी से बदला लेने जाना है। तो गाइस अभी हमने वो कर दिया, और इस बार देखिए हम जा चुके, नीचे उतर चुके हैं, चलिए, क्योंकि कौन वैसे नीचे उतरता है यार, इस इतना टाइम किसके पास है कि आराम से नीचे उतरेगा। चलिए चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम लोग पीछे उस एयरपोर्ट के बैक या उसमें जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे बिलिंग होती है हमारी, और यहाँ पे हम रुक गए, हेलमेट लगा ली अपनी, ओके, क्योंकि अगर वहाँ पे बिन हेलमेट के गए तो वो लोग बोलेंगे कैसे वो कर लिया। ओके गाइस बिलिंग करवाते हैं, 2 मिनट रुके, बस बिलिंग करवा के आते हैं, फिर आपको देते हैं इसका राइड और चलते हैं उसके शोरूम पे, जो बहुत अपने बनता है। चलिए गाइस अभी हम लोग की बिलिंग शुरू हो गई है, और गाइस बिलिंग अपनी हो चुकी है, और चलिए अपने बाइक पे चलते हैं, और फिर चलते हैं वहाँ पे उसने जो एड्रेस दिया था उस वाले बिल्डिंग के पास, देखते हैं कैसी है वो और क्या बनाया उसने, क्या अजूबा दिया है, देखते हैं। और अगर गाइस ये तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ कुछ बता देता हूँ, अगर उसके पास कोई भी अच्छी बाइक होगी तो गाइस चलते हैं जल्दी से। और मैं आप लोगों को जो प्लान समझा रहा था वो प्लान ये है कि देखिए अभी क्या होगा ना, जी हम जाएंगे उसके शोरूम पे, और जो भी उसकी गाड़ी होगी उसमें जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वो हम ले लेंगे, और फिर क्या होगा, जब ले लेंगे तो हम करेंगे, और फिर उस गाड़ी को लेके बाकी सारी गाड़ियाँ जो होंगी उसको ब्लास्ट कर देंगे, और अपनी KTM भी ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले चेक कर लेते हैं कोई हमारे पास गन होना चाहिए ना। तो गाइस ये हमारी पिस्टल है, देख सकते हैं अच्छी पिस्टल है, इसमें अच्छी गली, और फिर हमारे पास AK-47 भी है, और ये मिसाइल लॉन्चर मैंने रख ली थी, और ये स्नाइपर जिसकी रेंज बहुत अच्छी है। चलिए रेंज तो अच्छी है इसकी, रुक जाइए एक मिनट, एक गोली मार के देखें, कुछ हो रही है, पुलिस नहीं लग रही है, चेक करते हैं, रुकिए ए सूट कर दिया गाइस, रुकिए और चलते हैं बैठते हैं, अब चलते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मज़ा आएगा। चलिए अब उसके शोरूम पर चलते हैं, अपना प्लान सक्सेसफुल करते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा हम कैसे करने वाले हैं, और चलते हैं। गाइस आपको पता है मैं वहाँ पे एकदम फ्रेंड की तरह रहूँगा, और उसके एम्प्लॉयर को बिल्कुल शक नहीं होने दूँगा, पहले चेक कर लूँगा कैमरा तो नहीं लगा है।
चलते हैं। यही सब आ जाते हैं एकदम बदमाश लोग, सड़क पे गड़ हो जाते हैं, इनको कुछ हो जाता है तो पुलिस हमारे पीछे लग जाती है, मर जाएंगे कुछ तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है। तो गाइस हम कहाँ पहुँच गए थे, चलिए हम आपको बताते हैं प्लान के बारे में। फ्रेंड्स पहुँचने वाले, यही एड्रेस दिया था, यहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं दिख रही है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं, जल्दी से देखते हैं गाइस यहाँ कहीं अंदर नहीं खड़ा कर रखा है वो। गाइस यहाँ भी नहीं है, अरे कहाँ है उसका शोरूम, पागल हम लोग के पागल में आने के लिए बुलाया क्या वो, क्या यहाँ भी नहीं, पागल समझा लग रहा है। अच्छा गाइस यहाँ पे मुझे एक बाइक कार दिख गई, दो थार दिखी है, थारी है ना, हाँ दो थार दिखी, एक रेड कलर में एक ब्लैक कलर में, ये ब्लैक वाली बहुत धासु लग रही है, तो अभी गाइस वो शायद है नहीं, होगा नहीं तो अंदर कि बात करते गाइस उसके ऑफिस में चल के। गाइस ऑफिस में चल के बात कर ली हमने, और पता है ये लोग बोल रहे हैं ना कि अभी हम लोग को क्या करना है, वो बोला है कि अभी हम लोग हैं नहीं और आप मेरा शोरूम देख लीजिए, और हमने ना थार के बाद एक प्रीमियम गाड़ी खड़ी की गैलरी में, चलिए गैलरी में देखते हैं इसके, ये गैलरी यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी, अच्छा आगे एक टर्न टाइप का है उसमें चलते देखते हैं। अच्छा अरे यार इसने तो फॉर्चुनर खड़ी रखी है, ये तो हमारी गाड़ी है, ये तो अपनी है, ऐसा पार किया है गाइस इसने, क्रेन से ही निकलवाना पड़ेगा, और जब तक क्रेन से निकलवाऊंगा तब तक वो आ जाएगा, तब तक हमारे पास टाइम नहीं है। एक काम करते हैं इसकी ब्लैक वाली थार ले लेते हैं, और फिर अपनी ये तीनों गाड़ियाँ जो अपने पास के टी एम है और जो रेड वाली थार है और फॉर्चूनर है उसको ब्लास्ट करवा देते हैं, चलिए चलते हैं और फिर वो करते हैं अपनी के टी एम को आगे खड़ा करते हैं क्योंकि इसको भी ब्लास्ट करना है। ये सोच रहे हैं बेच देंगे, हाँ बेच देते, पैसा ले लेते इसका और बोल देंगे कि हम कोई और गाड़ी ले रहे हैं, तो इसको बेच दे रहे हैं हम, बेच दिया गाइस इनको, इसको मैं पेटीएम बेच दिया इसको, और चलिए अभी बेच देते हैं इसको, जल्दी से बेचते हैं। तो गाइस बात हो चुकी है, मैंने इसको बेच दिया, और अब गाइस मैं एक बहुत तगड़ा वाला प्लान सोचा हूँ। देखिए अभी क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ उसकी फॉर्च्यूनर ब्लास्ट कर देता हूँ क्योंकि वो गैलरी में वहाँ कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी टाइप की नहीं है, और मैं चलता हूँ जल्दी से उसकी फॉर्च्यूनर ब्लास्ट करता हूँ, और आप लोग सुनना देखना अभी मैं ब्लास्ट कर दूँगा आरपीजी से उसकी फॉर्च्यूनर, और फिर उसकी थार ब्लास्ट कर दूँगा रेड वाली, और फिर वो अपनी केटीएम ब्लास्ट कर दूँगा, और फिर अपनी जो वो ब्लैक वाली थार है वो अपने लेके निकल जाऊँगा, चलते हैं जल्दी से। अरे यार ये स्नाइपर बंद करो, लेकिन चलो हाँ बंद करके चलते हैं, जल्दी चलते हैं, ओहो अब मज़ा आने वाला है भाई, ये रही अपनी रेड थार, इसको भी ब्लास्ट करना है, वो कहीं ब्लैक वाली नहीं हो गई, अच्छा नहीं ब्लैक वाली सेफ है, चलिए अब वो अपने के टी एम ब्लास्ट करने की सोच, के टी एम भी ब्लास्ट कर देते हैं, हाँ लेकिन कितना कमा पाएगा चेक करते प्राइस, हाँ बहुत नहीं है, ब्लास्ट कर देते हैं के टी एम भी ब्लास्ट कर देते हैं, बहुत महंगी पड़ रही है उसके लिए तो बहुत, हाँ चलिए अब अपनी थार लेते हैं, टेस्ट करते हैं थार कैसी है गाइस, मैंने रख दिया है, चलिए थार पे बैठते हैं, और गाइस क्या धासु लग रही है, क्या धासु वाला मॉडिफाई करवाया है इसने, चलिए चलते हैं, और गाइस अभी इंटीरियर उंटीरियर चेक करते हैं, इंटीरियर देखते हैं, गाइस इंटीरियर तो इसका बढ़िया है, चलिए गाइस चलते हैं। आप भी हमारे नए ब्लॉग में देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, गाइस आगे की ब्लॉग में भेजूंगा, तब तक मैं चलता हूँ अपनी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, और भी ऐसे नए पार्ट मैं आपके लिए भेजता रहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, थोड़ा देर और देखते हैं ड्राइविंग कहीं कुछ ठोको नहीं रहा है, तो बाय।